आप लोगों का बजट है 10,000 रुपीज और आप लोगों को कोई स्मार्टफोन लेना है तो इस वक्त मार्केट के अंदर दो स्मार्टफोन है जो कि काफी ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं और काफी अच्छे ब्रांड की तरफ से भी है। एक है हमारा नया लॉन्च हुआ रियलमी का 5S और दूसरी तरफ है सैमसंग का गैलेक्सी M30। M30 की जो प्राइस है ना वो 15,000 रुपीज से होकर के अब 10,000 रुपीज के आ गई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों को 10,000 रुपीज़ में कोई स्मार्टफोन लेना है या फिर आप लोग इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई लेने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखते रहना। दोस्तों ये दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, इसीलिए दोनों ही स्मार्टफोन अलग अलग यूजर्स को भी टारगेट करते हैं अपने अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। जैसे कि अगर कोई स्मार्टफोन है यानी मतलब कि कोई यूज़र है अगर उसको अपने फ़ोन के अंदर मल्टीमीडिया काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद है जिसके लिए उसको अपने फ़ोन के अंदर काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले चाहिए, काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी चाहिए, काफ़ी बढ़िया ये चाहिए डिस्प्ले चाहिए तो उसके लिए मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी M30 से ज़्यादा बेटर ऑप्शन 10,000 रुपीज़ में और कोई भी स्मार्टफोन नहीं है। क्योंकि इसके अंदर जो आप लोगों को डिस्प्ले मिल जाएगी ना 6.4 इंचेस की एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले और वो भी एक सुपर एमोलेड पैनल है ये फ़ोन का डिस्प्ले तो जो कि 10,000 रुपीज में अभी तक का सबसे बेस्ट डिस्प्ले है इसके अंदर। और वहीं पर अगर मैं रियलमी 5S के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर आप लोग को सिर्फ एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाएगी 6.5 इंचेस की, वो भी एक IPS LCD पैनल। प्राइस के हिसाब से आप लोगों को ये डिस्प्ले काफी एवरेज मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उसको सैमसंग गैलेक्सी M30 से कंपेयर करते हो तो उन दोनों ही फोनों के डिस्प्ले के अंदर आप लोग को जमीन आसमान का फर्क देखने मिल सकता है। और अगर कोई फ़ोन बैटरी बैकअप के लिए चाहिए तो उसमें उसके लिए भी आप दोनों में से किसी के भी साथ जा सकते हो क्योंकि दोनों फ़ोनों के अंदर आप लोगों को 5000 mAh की ह्यूज बैटरी दी गई है। फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर ही दिया है, लेकिन यहाँ पर भी सैमसंग गैलेक्सी M30 के पास एडवांटेज आ जाता है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को Type-C का पोर्ट देखने मिल जाएगा और इसके अंदर जो डिस्प्ले है ना वो भी सुपर एमोलेड है जिसकी वजह से इसकी जो बैटरी कंजम्पशन है ना वो बहुत ही कम है बाकी फ़ोनों से। तो ऑलमोस्ट इस प्राइस के अंदर आप लोगों को काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप देखने मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M30 से। और वहीं पर अगर आप लोग को कोई गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए जिसके अंदर आप लोग को काफ़ी अच्छा प्रोसेसर मिल जाए 10,000 रुपीज़ के हिसाब से तो आप लोग को रियलमी 5S के साथ जाना चाहिए। इसके अंदर आप लोग को स्नैपड्रैगन 665 मिल जाएगा और वहीं पर अगर सैमसंग गैलेक्सी M30 के अंदर आप लोग को उनका खुद का Exynos 7904 का चिपसेट मिलता है जो कि आप लोगों को डेली यूसेज के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन अगर आप लोग गेमिंग करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को लैगिंग फ्रेमिंग का इश्यूज देखने मिल सकता है, इसीलिए आप लोगों को अगर गेमिंग करना पसंद है तो आप लोग को रियलमी 5S के साथ जाना चाहिए। और अगर मैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो दोनों ही फ़ोन पूरी तरीके से पॉलीकार्बोनेट डिज़ाइन के साथ में आते हैं, लेकिन जो लुक वाइज है ना वो थोड़ा सा रियलमी 5S ज़्यादा बेटर दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर आप लोग को बैक साइड में डायमंड का डिज़ाइन देखने मिल जाएगी जैसे कि आप लोगों को पहले भी काफ़ी सारे रियलमी के स्मार्टफोन के अंदर देखने मिल चुका है। और सैमसंग गैलेक्सी M30 का जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप दिखाई देता है तो वो आप लोगों के पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। और उसी की जगह पर आप लोगों को कोई कैमरे के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो यहाँ पर आप लोग कोई भी स्मार्टफोन पिक कर सकते हो, दोनों के अंदर आप लोगों को काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने मिल जाएंगे प्राइस पॉइंट के हिसाब से। भले ही आप लोग को रियलमी 5S के अंदर 48 MP का प्राइमरी लेंस मिलता है, क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M30 की ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है जिसकी वजह से इन दोनों फ़ोनों की जो कैमरा परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है और बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। सिर्फ एक छोटा सा एडवांटेज चला जाता है रियलमी 5S के पास उसके 2 MP के मैक्रो लेंस की वजह से। और अगर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपके पर्सनल प्रेफरेंस की चॉइस आ जाती है क्योंकि सैमसंग के अंदर आप लोगों को उनका खुद का One UI स्किन देखने मिल जाएगा और वहीं पर रियलमी के अंदर आप लोगों को ColorOS देखने मिलता है। तो दोस्तों ये तो दोनों ही कस्टम स्किन है खुद के ब्रांड की तरफ से, तो ये आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों को कौन सा स्मार्टफोन का कस्टम UI ज़्यादा बेटर लगता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप लोगों को ColorOS पसंद है या फिर सैमसंग का One UI। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ।